इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव को भाजपा एक बार फिर अपनी जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष पार्टियों ने भगवा दलों की अखलाकी हार कहते हुए कहा कि जब लोग भूख से मर रहे हों तो झूठे राष्ट्रवाद का नारा नहीं चल सकता। महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों से फिर अंधभक्त सत्ता में आ चुके हैं। खैर हुकूमत तो बना सकते हैं, पर जो इनके नारे थे कि अब की बार 75 पार और महाराष्ट्र में अब की बार 200 पार के नारे फूस हो चुके हैं। यह चुनावी नतीजों ने गोया भाजपा की दादागिरी को चुनौती दी है और नतीजों ने कहा कि अपनी औकात में रहो। इंतखाबी नतीजों ने बहुत सारे पैगाम दिए हैं, खासकर जो भगवादारी जिन्होंने भारत की गंगा जमनी तहजीब को चुनौती दी और उनसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, शायद अब खामोश हो जाए। यह पैगाम वजीर आजम मोदी को भी, तुम कुछ भी करो कुछ भी कहो, आवाम अंधी बेरी नहीं है बल्कि ये पब्लिक है, सब जानती है। भाजपा को यह घमंड तकबर था कि भारत में अब जो भी कहेंगे आवाम सर तस्लीम खम कबूल कर लेगी, पर प्रधानमंत्री मोदी को भी यही लगने लगा है कि मैं कुछ भी कह दूं जनता हजम नहीं कर लेगी। पर नतीजे तो चौंकाने वाले लगे, दोनों पार्टियों के लिए अहम साबित हुए। भाजपा को लग रहा था कि कामयाबी की रफ्तार कायम रहेगी तो कांग्रेस के लिए अपने वजूद का सवाल था। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भाजपा यह सोच में पड़ गई कि लोकसभा इंतखाबात में भाजपा सेना ने जो 48 में से 41 पर जीत हासिल की थी, हरियाणा में सिर्फ भाजपा ने अपनी कुव्वत पर 10 में से 10 जगहों पर जीतने का रिकॉर्ड कायम किया था, असेंबली इंतखाबात ने अब कुछ हुदूद कायम कर दिए हैं खासकर भाजपा के लिए। और जो बड़बोले काई जिनका काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ जो चाहे बकना, पाकिस्तान जाने की बात करना, हिंदू राष्ट्र का बार बार जिक्र करना और अकलियतों को डराने का काम कर रहे थे, अब वो खामोशी इख्तियार करने की नौबत आ चुकी है। जो मेगा जीत का ख्वाब मोदी भक्तों ने देखा था, इनके हाथ कुछ हद तक निराशा लगी हुई है। पार्लियामेंट्री और असेंबली इंतखाबात में काफी फर्क होता है, पर अब जिस तरह भाजपा हर जगह पर जज्बाती मसाइल को छालकर अवाम के मसाइल को पसे पुष्ट डालने के तरीकेकार को इस्तेमाल कर रही थी, नाकाम होती नजर आ रही है। भाजपा के फिजूल मसाइल से अवाम तंग नजर आ रही है। बेरोजगारी पर सवाल पूछो तो राम मंदिर, महंगाई पर सवाल पूछो तो 370, नौकरियां मांगो तो पाकिस्तान से जंग करने की बात, इसी तरह से मुख्तलिफ बातों के जरिए बेवकूफ बनाने की तरकीब अब नाकाम हो गई है। कभी पुलवामा, ट्रिपल तलाक, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, हिंदू मुस्लिम, एनआरसी, बाबरी मस्जिद को सामने करना और जनता से वोट हासिल करना, फिर अक्सरियत से चुनाव जीत जाना, यह आसान फार्मूला अब भाजपा को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस राष्ट्रवादी के लिए भी अवाम की हिमायत हासिल हुई है, खासकर महाराष्ट्र में शरद पवार की पावर का एहसास हुआ, कांग्रेस पर फिर अवाम ने भरोसा किया तो राज ठाकरे की मंचे को एक सीट कामयाबी हासिल हुई तो एमआईएम को भी सिर्फ 2 सीटों पर ही कामयाबी मिली है। इस चुनाव की खास बात यह रही कि कुछ लालची लोगों को भी ठोकर का मजा चखना पड़ा। कर्नाटक इंतखाबात के बाद भाजपा वालों को दूसरे पार्टियों से कामयाब नेताओं को, कामयाब लीडरों को, उम्मीदवारों को अपनी तरफ खींचने की एक आदत पड़ी हुई थी जो इस चुनाव में महंगी पड़ी। महाराष्ट्र के ऐसे कई जिले हैं जहां भाजपा मुक्त रहा, सातारा में राष्ट्रवादी तो कोल्हापुर में पूरी तरह से कांग्रेस कामयाब रही। कुछ आयाराम गयाराम यानी अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में जाने वालों की सियासी खुदकुशी भी इस चुनाव में देखने में आई। तकरीबन 50% से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को आवाम ने घर में बिठाया जो भाजपा से कोई भी जीत सकता है, यह जहनीत को इस चुनाव ने भी बदल दिया। मोदी है तो मुमकिन है भी तकरीबन खत्म होता नजर आ रहा है और उन लोगों को तो अपने हर जुमले पर सोचना होगा कि जो मुसलमानों को भला बुरा कहकर अक्सरियत हिंदुओं का दिल जीत लेंगे, पर यह भी साबित हुआ कि भारत का लोकतंत्र वाकई आज भी मजबूत है। जनता को धर्म के नाम पर, मजहबी नफरत के नाम पर वर्गलाया नहीं जा सकता, लिहाजा फिरका परस्तों को अब छिप जाना चाहिए और खासकर भाजपा को भी हकीकी विकास और तरक्की की राह पर चलकर चुनाव जीतने होंगे, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करनी चाहिए, वरना वह वक्त भी दूर नहीं होगा कि कहीं कांग्रेस मुक्त भारत करते करते भाजपा मुक्त ही भारत ना हो जाए, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं और भारत के सरजमीन की मिट्टी में यह तासीर है कि यहाँ हर धर्म, भाषा, मजहब के लोग मिलकर रहते हैं, इन्हें बांटने वाले खुद मिट जाते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।